हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉन्स्टर गेमिंग। एंड गाइस, आज हम खेलने वाले हैं फ्री फायर, बट आज हमारे साथ होने वाले हैं मोदी जी और राहुल गांधी को। गाइस, हम पप्पू कैसे बुलाते हैं वो। तो गाइस, तो गेम को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको मोदी जी से मिलवा देता हूँ। तो मोदी जी एक बार बोल के दिखाइए भाइयों बहनों। भाइयों बहनों, तो गाइस गेम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दबा के लाइक ठोकना। और गाइस, ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए है, इसको अपने दिल पर बिल्कुल मत लेना। और किसी भी तरह का आपको दुख पहुँचाने के लिए वीडियो नहीं बनाया गया है। तो वीडियो को जमकर देखिए, जमकर मजा उठाइए और वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मोदी जी, हमें कहाँ उतरना चाहिए, क्लॉक टावर के पास में या पिक में उतरना चाहिए? 125 करोड़ देशवासियों से जवाब चाहता। तो मोदी जी, मैं क्लॉक टावर के पास में उतर चुका हूँ, तो आपको क्या लगता है इसमें चिकन डिनर होगा या नहीं? ये पबजी वाला है। सॉरी मोदी जी, पबजी की सेव हो चुकी है, इसलिए बताइए इसमें बुया होगा का नहीं। मोदी जी घर में घुस चुके हैं और M4 मिल चुके हैं, अब क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं या नहीं? बताना मुश्किल है। मोदी जी, इधर थोड़ी लूट मचा लेते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं उपले माले पे। मोदी जी, इधर कुछ नहीं मिला तो हमें जल्दी से उपले माले पे जाना होगा, क्योंकि यहाँ बंदा कभी भी और कहीं से भी आ सकता है और एक इधर से भाग चुका है। तो चलो मित्रों, आगे चल के देखते हैं। और मित्रों, एक बंदा मुझे दिख चुका है, तो ये इधर ही किधर छुपा हुआ है, तो हमें इधर से थोड़ा आगे निकलना पड़ेगा। और अब पप्पू जी हमें कोई मार रहा है। वो पप्पू मारा तो मैं मार पाएंगे? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मित्रों, मोदी जी और पप्पू जी का साथ होने से ही हमने उस बंदे को मार गिराया है और अब हम ऊपर आ चुके हैं। तो इधर भी मुझे विक्टर मिले, तो मैं विक्टर लेनी चाहिए या नहीं? 125 करोड़ देशवासियों से जवाब चाहता। तो मित्रों, इधर कोई बंदा नहीं है, अब यहाँ से बाहर चलते हैं। कोई बंदा मिलेगा तो उसे मार गिराएंगे। मित्रों, भाइयों बहनों, जैसे कूद के अपनी जान देने वाला हूँ पप्पू के लिए, तो मुझे देनी चाहिए या नहीं? तो मित्रों, मैं उस पप्पू के लिए जान नहीं दे रहा हूँ और अब मैं यहाँ से बाहर निकल चुका हूँ। तो मित्रों, मैं बंदे की खोज कर रहा हूँ, जैसे ही बंदे की बदबू मेरे पास आएगी मैं उसको मार गिराऊंगा। तो मित्रों, क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं? मित्रों, एक भारत देश का वीर चाबाज बंदों को ढूंढने जा रहा है, पर उससे पहले हम इस घर के अंदर देख के आते हैं। तो मित्रों, इस घर के अंदर मुझे Level 1 का हेलमेट मिल चुका है और इस हेलमेट से मुझे काफ़ी ज़्यादा रक्षण मिलने वाला है। तो मित्रों, हमें नीचे जाना चाहिए या नहीं? बताना मुश्किल है। तो पप्पू महाराज, वहाँ एक बंदा जा रहा है, पर उस बंदे को पकड़ने के लिए मुझे भागना पड़ेगा। तो क्या पप्पू, आपको लग रहा है मुझे मार पाऊंगा या नहीं? अगर मार पाऊंगा तो उसके गोलियां दबा के डालने वाला हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो पप्पू जी, मैंने उसको मार गिराया है और मैं वहाँ से आ चुका हूँ दूसरी जगह पे। तो देखो पप्पू जी, इधर मुझे एक बंदा दिख चुका है और मैं मेरे बाजू में है, पर मुझे अभी मारना नहीं है। तो वो मुझे मार रहा है तो मैं उसे मारूँगा। तो पप्पू जी, वो भाग रहा है, वो मुझे डर गया है, क्योंकि उसे पता चल गया कि उसका बाप आ चुका है उसके पास। तो मित्रों, हमने खून ले लिया है और अब हम चलने वाले हैं यहाँ से आगे एक गड्ढी ढूंढने के लिए। तो मित्रों,
हमें तोड़ के जाना पड़ेगा। एक अच्छी सी गड्डी ढूंढने के लिए तुम मोदी जी, क्या हमें गड्डी मिल जाएंगी? 125 करोड़ देशवासियों से जवाब चाहता। तो मोदी जी, सबका साथ सबका विकास, मुझे गड्डी मिल चुकी है और हम गड्डी लेके चलने वाले हैं पिक में बंदों को मारने के लिए। बहुत तेज हो रहा है। तो मित्रों, ऐसे आगे चलते हैं। पर मित्रों, मुझे कहा पीछे किसी ने मारा, तो गड्डी वापस ले लो मोदी जी। गड्डी के अंदर मोदी जी बैठे हैं और मोदी जी को गड्डी चलाना आता नहीं है। और क्या मोदी जी इसको उड़ा देंगे? ओ मोदी जी, आपने बहुत बुरा किया, अपनी जनता के साथ अपनी जनता को मार गिराया। मैं भली भांति समझ रहा। तो मित्रों, पिक में जाने के लिए कब कब निकला है पर अभी तक नहीं पहुंचा है। और मोदी जी का खटारा ठीक से चल नहीं रहा है। ये मोदी जी का एक खटारा है, वो ठीक से चढ़ान पे नहीं चढ़ पाता है। और वहाँ मुझे किसी ने मारा, तो मोदी जी इसको भी उड़ा दो। ओ वाह मोदी जी, ओ मोदी जी, आपने उसको बहुत अच्छी तरह अपनी चांसे में लेके मार गिराया है। तो जरा पप्पू भाई का अभिप्राय जानते हैं कि क्या कहते हैं हमारे पप्पू। बहुत तेज हो रहा है। एक कैरी कहाँ से गई रे? पप्पू को चाहिए, पप्पू को बुलाओ रे, कैरी को जाने दो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मित्रों, मैं नीचे उतर चुका हूँ, अपनी गन्स ले गई। और यहाँ मित्रों, मुझे एक बंदा दिख चुका है, पर मैं उसे मार पाऊंगा या नहीं? तो मित्रों, वो सारी गन से नहीं, मैंने स्कोप वाले निकाल लिया है। और मित्रों, उसे 100 से 150 का डैमेज पहुंच गया है, पर वो मेरी हाथों से निकल चुका है। तो मित्रों, आपको क्या लगता है कि इस गेम में चिकन डिनर हो पाएगा या नहीं? ये पबजी वाला है क्या? मोदी जी, पबजी वाला नहीं हूँ, फ्री फायर वाला हूँ। और सामने से पप्पू मुझे मार रहा है। और एक क्या मोदी जी पप्पू पर वार पे वार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मोदी जी पप्पू को मार गिराएंगे, नहीं मार गिराया है। वाह मोदी जी और पप्पू महाराज, आप मर कैसे गई? वही तो पता नहीं चला, एक कैसा इंसान है यार, मेरे को हर बार मार गिराता है इलेक्शन में। फ्री फायर पे भी नहीं जिंदा रहने दिया रे मोदी जी, मुझ पर दया करो, मैं छोटा छा नन्ना छा मुन्ना छा बच्चा हूँ, मुझे तो एक बार जितने दो। भाइयों बहनों, मैं भली भांति समझ रहा। तो मित्रों, मोदी जी ने पप्पू को मार गिराया है और वो फिर से गड्डी के अंदर बैठ गई, कहीं और जाने का सोच रहे है। तो मोदी जी, अभी 6 किल हुए है और 12 लोग जिंदा है। तो क्या लगता है आपको, इसमें बुया होगा या नहीं? 125 करोड़ देशवासियों से जवाब चाहता। तो मोदी जी, जोन गिर चुका है, जल्दी से निकल जाइए वरना जोन के अंदर मार डालेंगे आपको। तो मित्रों, हम यहाँ से नीचे उतर के कुछ घर के अंदर चले जाएंगे, जिस घर में हमें सुरक्षा मिल रही हो। तो मित्रों, उसको मारने गया पर मैं उससे नहीं मार पाया। तो अब मुझे लगता है कि मैं उससे नहीं मारूंगा, वो मुझे मारेगा। तो मित्रों, सीधी गाड़ी ले जाकर उसकी पिछवे पास पे ठोक दी है और मैं उसको मार गिराया है। कर सकते हैं, ये हमने दिखाया। तो भाइयों बहनों, हम यहाँ से निकल के घर के अंदर जाने वाले थे और कोई हमें पीछे से देने लगा है। तो मैं इस घर के अंदर जा गई, सुख जाना चाहिए या नहीं? तो मित्रों, मैंने उधर इधर बहुत देखा, बाद में मुझे एक बंदा दिखा है और वो इधर बाहर ही खड़ा है। तो क्या हम उसे मार पाएंगे या नहीं? तो मोदी जी तो दौड़ने लगे उसके पीछे, और मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास बोल के उसको उड़ा दिया है। वाह मोदी जी वाह। तो मित्रों, अब हम आ चुके हैं पिक के बड़े वाले घर के अंदर, और यहाँ मित्रों बंदों की बारिश हो रही है। ऊपर से नहीं हो रही है, सामने देखो मित्रों, सामने देखो। और आज मोदी जी फॉर्म में है, जो भी सामने आ रहा है उसे मारते जा रहे मारते जा रहे। मोदी जी, आप बहुत बुरा कर रहे हैं,
अगली बार मुझे लगता है कि चुटनी आप नहीं जीत सकेंगे। मैं भली भांति समझ रहा। एक चाल पप्पू की है जो मुझे हराना चाहता है। अगली चुटनी में वह पप्पू को बता दे कि अभी तू छोटा बच्चा है, तू मुझे नहीं हरा सकता। तुम मित्रों, आपको क्या लगता है कि हमारे 10 किल हो पाएंगे या नहीं? 125 करोड़ देशवासियों से जवाब चाहता। तो मित्रों, मुझे एक बंदा दिख चुका है और मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो मित्रों, हमारे 10 किल हो चुके हैं और 3 इंसान 3 अलाइव है। तो मित्रों, आपको क्या लगता है इसमें बुया होगा या नहीं? तो देखो मित्रों, बुया होने की बात अलग है। वो बंदा मुझे मारने नहीं आया, पर जोन से मैं मर जाऊंगा ऐसा मुझे लग रहा। नहीं तो मैं अभी शहीद हो जाता हूँ। अगले छुटने में आप पप्पू को जिता देना। तो मित्रों, चिकन डिनर तो नहीं हो पाया है। तो गाइस, आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से जाओ वीडियो को लाइक कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस, मैं एम करता हूँ इस वीडियो पे 1000 लाइक के लिए और 500 कमेंट के लिए। तो जल्दी से जाओ इस गोल को पूरा कर दो, और जल्दी से जल्दी मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझसे बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो, और मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।